मैं समस्त नोखावासियों ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान वासियों के कहना चाहूँगा, कोरोना वायरस वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पूरे भारत में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जानलेवा हमला कर चुका है। इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है। हम किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएं या भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं। जहाँ भी हो सके हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दूसरे के स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमें विशेष कर ध्यान रखना है, हम हाथ जोड़ें। और वर्तमान में देखा जा रहा है लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है, हमें तो स्वयं को ठीक करना है, स्वयं को अलग रख करके रखना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। यह कोई भयानक बीमारी, इसका अभी तक इलाज बहुत कुछ निकल चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इस बीमारी से डरना नहीं है। हमें बीमारी से डरना है लेकिन खुद को ध्यान रखना है, तभी हम बच सकते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोए, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, हाथ जोड़ें। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को, हमारी जो परंपरा रही है, हम हाथ मिलाते हैं या हम जो सामाजिक जो भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ भीड़ बड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पर हम पहुँचते हैं, हमें उससे भी बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें दूसरे लोगों को भी ये जागृति फैलानी है कि हम अपने घर तक सीमित रहें, हो सके तो हम घर में ही रहें, बाहर नहीं जाएं और अकेले में रहें या दूसरों से हाथ नहीं मिलाएं, दूसरों से स्पर्श नहीं करें। मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा, आप डरें नहीं, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए स्वयं को साबित करना है कि मैं इस बीमारी से बचने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप को एकांत में लेना है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को कहना चाहूँगा, जो भी सरकार कदम उठा रही है उसका सहयोग करना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे आम नागरिक सुरक्षित रहे। इस बीमारी से लड़ने के लिए हम एकजुट होकर जो भी सरकार का निर्णय है हमें उसका सामना करना है, उसका सहयोग करना है। मैं सभी भारतवासियों को यही कहना चाहूँगा, समस्त नोखावासियों को यही कहना चाहूँगा, कृपया आप इसे डरे नहीं, लेकिन जैसा भी आपको सर्दी जुकाम लगे तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही आप करें। या आपको कहीं भी संदिग्ध कोई व्यक्ति दिखे जिसमें कोरोना के वायरस हो सकते हैं या जो थोड़ा बहुत डाउट हो आपको, कृपया आप सूचना दें, डॉक्टर को सूचना दें, पुलिस को सूचना दें, ताकि हम इस बीमारी को आगे फैलने से रोक सकें। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, पुलिस प्रशासन को और सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पूरी मुस्तैदी से इस पूरे भारत के नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक मुस्त होकर जब लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतवासियों को सफलता मिलेगी। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप डरे नहीं, इसका मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर जैसा कि हमें डॉक्टर से प्रशासन से निर्देश मिलता है हमें पालन करना चाहिए। जैसा कि आज पूरा भारत अपने आप में बंद है, तो इसका हमें सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाहर नहीं निकलना है और अपने आप को घर में रखना है। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार आपसे यही कहना चाहूँगा, कृपया आप सहयोग करें प्रशासन का, आप अपने आप को इसमें इस तरह से रखें ताकि हम कोरोना वायरस से मुकाबला कर सकें, इससे बच सकें। यह महामारी का रूप ले रही है, हमें इसे रोकना है। इससे सरकार जो भी कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें स्वयं को करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं, हम तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मैं आप लोगों के प्रति शुभकामनाएं संदेश देना चाहूँगा, इस बीमारी से लड़ने के लिए जो आज हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेंशन हो रहा है, इससे हमें तभी संभव हो सकता है जब हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। हम अपने आप को रखना है, अपने आप को ध्यान रखना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोना है, कपड़े जो भी हम पहनते हैं उसको वापस नहीं पहने, उसके भी धुलाई करना है, जो भी छींक है या हमारे जुकाम है तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना है। पुनः मैं एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इनकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अगर आप भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हो, कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए आपका कोई मैसेज है कमेंट द्वारा जरूर भेजें और आपके नाम से कमेंट चलेगी। और अगर आप वीडियो क्लिप देना चाहते हो तो भी सेंड कर सकते हो। अगर आप कोई सिंगर हो, कोई कवि हो, जो भी हो, कविता या सिंगिंग से अगर कोई करना चाहते हो तो वीडियो क्लिप सेंड कर सकते हो। आपकी वीडियो क्लिप आज प्रसारण की जाएगी।